मेरा नाम हसन है, आप लोग देख रहे हैं एच एस एन एंटरटेनमेंट। ये भाई है सोहेल भाई और ये है हमारे कराची के किंग ऑफ तोतों के किंग हैं। ये कराची के अंदर इन्होंने इनवाइट किया भाई हमें लालू खेत मंडी में, और यहाँ पर ये हमें विजिट करवाएंगे कि कौन कौन सी प्रोडक्शन क्या क्या रेट पे चल रही है, कौन कौन सी तोतों की नस्लें हैं। मुझे ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, तो ट्रैफिक थोड़ी ज़्यादा हो गई, शुरू करते हैं वीडियो को। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉकटेल दिखाने को भाई दिखाना चाहता हूँ। एक जाल के अंदर थैली में आपको कॉकटेल नज़र आ रहे होंगे माशाल्लाह से, और कॉमन ग्रे का ये पियर है भाई। ये कौन सा है ये वाला? ये पाइट का कॉकटेल है, कॉमन ग्रे का कॉकटेल आप लोगों को नज़र आ रहा है भाई। कितने का जोड़ा ये? 6000 रुपये का जोड़ा। चेक करें ज़रा माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला की कुदरत है भाई, इतने खूबसूरत खूबसूरत खरीदे हैं भाई का। भाई बोल भी थैली है भाई। ये कौन सा है? ये जो डोट वाला ये कौन सा है? पल पल पल, ये पल का बता रहे हैं मेल है, और ये दूसरी कॉमन ग्रे की फीमेल है। यहाँ देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? 6500। वाह यार, अच्छा है रेट माशाल्लाह। अगर साइज भी अच्छा है भाई, बच्चे तो नहीं है क्या? बच्चे हैं ये पट्ठे हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया भाई। अरे मेरे एक और बड़े प्यारे से भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनके भी बर्ड्स दिखाते हैं भाई, मुझे दिखाना ज़रा। और इसके अंदर फिशर के जो है आपको बच्चे नजर आएंगे। कितने हैं भाई ये? कितने हैं? 6 बच्चे हैं। और क्या वैल्यू है इनकी? 2000 रुपये का पीस। और मोहब्बत चप्पल वाला पियर वे? हाँ फिर ठीक है, मुझे लगा 2000 का पीस भेजा कि चप्पल मांग लगे अपने सर पे हाथ में होने लगे भाई जोड़ा है। भाई इनको मेरे ख्याल गर्मी लग रही है, हाँ इनको पानी शानी पिलाएं आप। हम लोग आगे चलते हैं, मैं आपको और प्रिंट दिखाता हूँ। इनको गर्मी लग रही है भाई। एक और हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, इनके भाई केज है छोटा सा बर्ड को कैरी करने के लिए। भाई कौन कौन सा बर्ड है इसमें? लटीनों के 3 पट्टे हैं, और उसके अलावा ठीक है भाई। इनकी आंख में शायद तो मसला है। अच्छा, और रेट क्या इनका? 4500। ठीक है, अबीनों का 6000, पट्ठों का 4500 रुपये। कराची लालू खेत मार्केट या मंडी जो भी है उसमें हम खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका। अभी एक और भाई से मैंने एक पैर पकड़ा है, और ये मुझे डर लग रहा है, लुटीनो पैर है ये। अरसलान भाई इसके बारे में ज़्यादा गाइड कर सकते हैं। अरसलान भाई आपकी मेहरबानी है, इधर आ जाइए आप, तो मार्कू उतार दें। अरसलान भाई चैनल का नाम क्या आपके? मैक्सिस। अरसलान भाई इनके बारे में बताएं ज़रा। ये रोजी को लटीनो कहलाते हैं। लटीनो ठीक है, क्या पहचान क्या होती है इसकी? देखिए ना, इसकी जो रेड पेन है ये हाफ फेस में होता है, इसको रोजी को लॉटिनो कहते हैं। अच्छा, कैसे ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा? पूरा हेड लॉटिनो पर्सनाट हो जाता है, जिसका पूरा सर ऑरेंज होता है। अच्छा, पूरा सर। ये कॉमन है या वो कॉमन है? ये कॉमन है। क्या रेट होगा इनका? इनका देखिए मार्केट रेट 3500 से 4000 रुपये का पेयर है बड़ा। अच्छा, सही है, ये बड़ा पेयर है ना? ये बड़ा पेयर। चलो ठीक है, शुक्रिया भैया। भैया अब आपको हम लोग दिखाने लगे ताहिर भाई के बर्ड लालू खेत मंडी कराची में। ताहिर भाई कैसे हैं आप? घुमाना चाहिए ताहिर भाई। कौन सी चीज़ है सबसे ऊपर जो मैं नजर आ रही है? ये सबसे ये जो किंग साइज के अंदर है, इस ब्रीड का नाम क्या है? ये डबल ऑरेंज है, फुल ऑरेंज का एक मेल है, बड़ा भारी नजर। ठीक है, और ये दूसरे जो कॉमन है वाइट, इसका वाइट चिक के कुछ अंडर साइज के पेयर है। वाइट चिक का क्या रेट है? वाइट चिक के पेयर है, वाइट चिक का इसमें जो है 1700 रुपये का जोड़ा है। और क्रस्टेड का मेरे पास क्रस्टेड का एक पीस है अभी बचा हुआ। ठीक है, वो कितने का नज़र आ रहा है? 1000 रुपीस का है। 1000 का। अच्छा, ये क्या चीज़ है इसके बराबर? ये जो पीस है इसकी भी क्या है? ठीक है, क्रस्टेड के। तो क्या क्या रेट है इनका, क्या वैल्यू है? एक ईयर के जो मर्द है एक क्रस्टेड वाले की 3500 रुपये जोड़ा है। 3500 मेल में, मेल डबल क्रस्टेड का, फीमेल जो है टफनेट में। अच्छा, फीमेल का थोड़ा सा आंखों का मसला है। ठीक है, आंखें सही है। बेहतरीन हो गया। अच्छा, इसके बारे में बताइए कितने पीस हैं? ये तकरीबन 1500 रुपये जोड़ा है, मिक्स वैरायटी में। इसमें तो अगर सारे कोई लेता तब क्या रेट मिलेंगे? यहाँ पर बल्क में उठाएगा तो क्या रेट मिलेंगे? इंशाल्लाह वो बाइक चल जाएगी। अच्छा, क्वांटिटी में उठाते हैं तो मैं और मुनासिब कर लेता हूँ। कोशिश मेरी होगी कि क्वांटिटी में अगर लेंगे तो।
बेहतरीन हो गया, बहुत शुक्रिया भाई आपका। पंजाब साइड बहुत सारे बर्ड्स देख रहा हूँ। अच्छा, मैं पंजाब से ही आया हूँ। चले शुक्रिया, अदील भाई ने बता दिया था। अदील भाई ने बता दिया, बहुत शुक्रिया। अभी मेरे साथ फरहान भाई हैं। फरहान भाई को मेरा ख्याल है कि मैंने देखा है वीडियो उसके अंदर पहले। जी फरहान भाई, ये सबसे ऊपर बैंगलाइज है। जी ये बैंगलाइज थोड़ा सा करीब करूँ मैं। फरहान भाई, क्या मार्केट जा रही है बैंगलाइज, क्या वैल्यू है इसका? बैंगलाइज की वैल्यू की अलग अलग कॉन्डिशन है इसकी, जिसमें ये ग्रे भी है, वाइट भी है, इसके बाद वाइट क्रिस्टल है, वाइट है, ब्राउन है। तो इस टाइम पे जो मेरे पास वाइट की बियर पड़े हैं, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? सबसे ज्यादा वाइट क्रिस्टल बैंगलाइज की वैल्यू है, 24-25 हज़ार का बियर है। अच्छा माशाल्लाह, नीचे क्या चीज है? नीचे ये कि अपना कनेरी का बियर पड़ा हुआ है। ऑरेंज की फीमेल है और येलो की मेल है। ऑरेंज की फीमेल है, येलो का मेल। अरे इसका मेल फीमेल का पता कैसे चलता है? मेल फीमेल का इसका जो पता चलता है वो हड्डी से पता चलता है, हड्डी से, जोर से, लगभग की तरह। जी सही हो गया। इसकी क्या मार्केट वैल्यू होगी? इसकी मार्केट वैल्यू ये अभी सेल हो गया है, ये 6,200 रुपए का सेल हुआ है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। चले बहुत शुक्रिया। तो भी क्या ये कौन सा है? ये भी यही है, कनेरी है। कनेरी का ये है, सिंगिंग मेल है ये। सिंगिंग मेल है, फुल सिंगिंग करता है ये। अच्छा, ये इसका साइज काफी अच्छा है, बेहतरीन साइज है। तो क्या वैल्यू होगी इसकी? इसके वैसे 6,000 रुपए मांग रहा हूँ इसकी, सिंगिंग के साथ। अच्छा सिंगिंग के साथ। तो बिस्लिंग जो करते हैं ये क्या टाइमिंग क्या होती है कि सारा दिन? ये बॉन्डिंग में ज्यादा करते हैं, सुबह बॉन्डिंग में, जैसे भी बाहर लगाते हैं ना, जैसे घर से बाहर रखते हैं या फिर ढकते हैं इसके ऊपर में, आप फर्स्ट टाइम रोशनी में ये सिंगिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा शौक है आपका, मुझे मजा आया देखा बहुत सारी। इसके अलावा भी मेरे पास अपना भारी इम्पोर्टेंट पिंचे है, जैसे कि हॉल वगैरह, शॉपटेल, सेटअप। हम लोग विजिट करेंगे आपका सेटअप, हमें प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे सारे बर्ड्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मेरे पास अदील भाई हैं और ये पैराडाइज बर्ड इन्फॉर्मेशन के नाम से इनका कराची में चैनल है, काफ़ी फेमस चैनल है, काफ़ी सीनियर है ये। और उसके बाद अदील भाई सिक्के वाले, इनका सिक्का चलता है कराची के अंदर, नामवर बंदे हैं सारे, यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनको जानते हैं। अदील भाई आप भाई क्या हैं? ये पहाड़ी का बहुत ही अच्छा और जम्बो साइज का माशाल्लाह लेंथ में रीडर है, ब्रीडिंग के लिए तैयार रह रहे, बहुत अच्छे साइज है, मेल फीमेल कन्फर्मेज में, और एज भी इनकी पूरी है। देखिए कब तक ब्रीडिंग करेंगे ये? देखिए अब तो सीजन तकरीबन जो है ना ऑलमोस्ट इनका मतलब बच्चे वगैरह आ गए, अभी ये है कि चांस है, 50% चांस है, अभी भी कर जाएंगे। हाँ, अगर इनको अच्छी जगह दी जाए, बॉक्स वगैरह लगा के दिया जाए, अच्छी इनको डाइट दी जाए, तो चांस है 50% की ये ब्रीड कर जाएंगे। इनकी क्या वैल्यू होगी इस टाइम? तकरीबन जो है कराची में जो चल रहा है जोड़ा, 65 से 70 हज़ार रुपये का जोड़ा चल रहा है। इनके बच्चे का? बच्चे का रेट स्टार्ट होता है साइज के हिसाब से होता है। ठीक है, हाँ, एक महीने का जो बच्चा है उसका रेट तकरीबन यहाँ पे 13,000 रुपये। फिर जैसे दिन डे बाई डे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके रेट में 1,000-2,000 इजाफा होता जाता है। प्रॉपर सेल्फ का दाना जो है पहाड़ी का 20,000 रुपए का चलता है। 20,000 रुपए का सेल्फ का एक दाना है कराची में, सेल्फ का दाना। बच्चे लेके तैयार करके बोले ना बोले 20,000 का है, मतलब अगर आप 13,000 का वाइट भी आते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कितने देर में तैयार हो जाता है ये? सेल्फ पे आ जाता है तकरीबन 4 महीने में काम हो जाता है। 4 महीने के बाद किसी भी पैरेट का बच्चा है वो 4 महीने में हर ठीक हो गया। मेरी दो भाई मिले हैं बड़े प्यारे, हबीब टीवी के नाम से इनका चैनल है, और ये हबीब भाई हैं, ये शाहिद भाई हैं। शाहिद भाई को हबीब भाई से प्यार बोल रहे हैं, उसने माइक पर हबीब नाम ही खोया हुआ है। कैसे नाम हबीब भाई? कैसे अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का दुआएं। अभी कौन सा चैनल आप लोगों का? किस सर ये हमारा चैनल है हबीब टीवी के नाम से, और हम बर्ड्स और एनिमल्स जो भी बर्ड्स। कौन कौन सी रिकवरी करते हैं आप सर? किस चीज़ को कवर करते हैं सर? पिजन हो गए, लाइक बर्ड्स हो गए, डॉग, कैट्स और रोस्टर वगैरह, जो भी मतलब मार्केट में जो फसल आती है हम उनकी वीडियो बनाते हैं। हम लोग बर्ड्स के अलग अलग वाले शौक कब से इस चीज़ का, एनिमल्स का वीडियो का नहीं एनिमल्स का? सर हबीब भाई को तो तकरीबन था विजन का काफ़ी अच्छे से, तकरीबन 5-6 साल हो गए, लेकिन मैं इन जब चैनल के जब मैं आया हूँ इनके थ्रू ही आया हूँ, तो मुझे भी आप आहिस्ता आहिस्ता इनको 1 साल हो गया, मुझे भी इसमें भी आहिस्ता। कितने सब्सक्राइबर हो गए आप लोगों के माशाल्लाह? अभी तकरीबन 12,000 से अब सब्सक्राइबर हो गए। हाँ भाई ग्रेजुएशन, मिठाई नहीं आई 10,000 क्रॉस की मिठाई बनती है सर। अभी क्या काफ़ी खिला देते हैं आपको, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। भाई इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना हबीब टीवी के नाम से, और हम लोग आगे चलते हैं और चीज़ें आपको दिखाते हैं। वंस अगेन हमारे अदील भाई सिक्के वाले, इनका कराची में सिक्का चलता है, मैं आपको जैसे कि पहले तो है। अदील भाई ये
काठा है, ऐसी है? बिल्कुल बिल्कुल ग्रीन, ये काठा तो ग्रीन है। क्या वैल्यू है इसकी मार्केट में, दीवानी है दुनिया के? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ग्रीन पैरेट की सबसे ज़्यादा दीवानी और उनमें सबसे बड़ा मैं हूँ, ये मेरे सब्सक्राइबर जानते हैं। बिल्कुल ग्रीन पैरेट का मेरा बहुत अच्छा शौक है। ये तो फिलहाल जो अभी आपको दाने नज़र आ रहे हैं, ये इसलिए है कि नेक्स्ट ईयर के लिए आप डाल सकते हैं, अगले साल ये तैयार होंगे। सही है, और ये वाइल्ड पट्टे हैं, कैप्टिव मतलब घर के कैप्टिव। सही है ना, तो इसका जोड़ा यहाँ पे तकरीबन है 5 से 6 हज़ार रुपये, 5 से 6 हज़ार का एक जोड़ा है, एक पेयर मिल जाता है। ये वाइल्ड है सारे ना? ये वाइल्ड है। और घर के जो होंगे? घर के जो होंगे तकरीबन जैसे टॉकिंग वाला ग्रीन रिंग नेक आप लेते हैं तो तकरीबन वो 15,000 से स्टार्ट होता है, 20,000 रुपये तक का मेल होता है। मादा उसमें टॉकिंग वाली होती है 10,000 से लेके 8,000 रुपये तक की, 10,000 से 8,000 तक की मादा होती है। काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको। कॉलोनी में ब्रीड करवा सकते हैं इनकी हम अदिल भाई? बिल्कुल बिल्कुल, कॉलोनी में आप ब्रीड करा सकते हैं, लेकिन बस इनमें यही होता है लोगों को सब्सक्राइबर को पता नहीं होता, पट्टी मादाएँ डाल देते हैं वो बाद में बड़े होकर नर निकलते हैं। सही है, तो मादा जो होती है कम से कम इसमें लें आप 2.5-3 साल की। कैसे पता चलेगा 2.5-3 साल? 2.5-3 साल की मादा जो होगी ना, जब आप उसको पट्टे से कंपैरिजन करेंगे, अभी तो इसमें बड़ी मादा नहीं है, उसकी चोंच साफ हो जाती है, फीका कलर होता है मेल से। सही है, हेल्थ अच्छी है उसकी, तो समझे 3 साल की मादा है वो। मुझे समझ में हल्के हल्के कालापन है इनकी चोंच के अंदर, ये इनके भी सबके हसन भाई कालापन होगा। देखिए ये मादा इससे थोड़ी सी बड़ी नजर आ रही है, ये एक दाना जो चिपका हुआ जाली ये ठीक है, ये बड़ी हो रही है। देखिए नर का आपको चोंच अलग नजर आएगी। सही है, नर की जो बहुत डार्क शेप जैसी है। जी 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 जी, मादा की चोंच थोड़ी सी फीकी होती है, तो कॉलोनी में भी चलते हैं ये, लेकिन अलग से इनकी अच्छी ब्रीड हो जाती है। बेहतरीन है भाई, आप तो माशाल्लाह किंग है यहाँ पे, आप मुर्गों के भाई, ये मुर्गों के किंग है ये लाहौर के। सही है ना, नहीं यार उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना इनके चैनल को और इनके चैनल मेरे भी चैनल को कर देना। हम लोग फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।